चंडीगढ़ के सेक्टर 26 सब्जी मंडी गंदगी के अंबार को लेकर आए दिन सुर्खियों में बनी रहती। बता दें कि बीते सोमवार को सब्जी मंडी में स्टेट ऑफिस की ओर से बिना सूचित किए आढ़तियों के शेड तोड़ दिए गए, जिसके बाद आढ़तियों में काफी गुस्सा है, जिसे लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन कर प्रशासन से न्याय की मांग की है। वहीं मंडी के फल और सब्जी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ब्रजमोहन राजू ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जिन 10 अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य होती है उसमें से सिर्फ एक की मौजूदगी में शेड तोड़ा गया, जो पूरी तरह से गलत था। देखो जी, इंक्रोचमेंट कोई होती है वो सरकारी जमीन की होती है, सरकार की जमीन होती है। जिस जगह पे हमारा माल रखा गया है वह जगह भी हमारी है, वह दुकान भी हमारी है, और उस दुकान पे शेड हमारे को हमारे सेक्टरी एग्रीकल्चर बोर्ड कलिकट जी ने कहा था आप इक्वल एक जैसा लगा लें, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, हमारे किसानों का माल आता है और हम राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने का काम कर रहे हैं। हमने अपने लिए नहीं लगा रखा वहाँ पे कोई भी शेड, हमने अपने किसानों के लिए लगा रखा है जिनका माल वहाँ धूप बरसात मौसम के सर्दी गर्मी हर चीज़ से बचाने के लिए उनके लिए लगा रखा है, और अपनी ज़मीन पे लगा रखा है, सरकार की ज़मीन पे नहीं लगा रखा है। और अगर सरकार ये कहती है कि भाई यहाँ पे शेड गलत है, तो मंडी में जो कंटीने बनी हैं क्या वो सही है? वो सरकारी जगह में है जहाँ पे कंटीनों को बना के मार्केट कमेटी किराया ले रही है, वो गलत है। हम भी जो है लाइसेंसी हैं, हम लाइसेंसी मार्केट फीस पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम भी तो सरकार का पेट भर रहे हैं और जनता का पेट भर रहे हैं। अगर हमारी चीज़ गलत है तो वो कंटीने भी गलत हैं। आज हमारा ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पवित्र सिंह जी हैं उन्होंने हमारे को बुलाया था, आज उनसे बातचीत करने आया, हमने शुक्रवार को हड़ताल घोषित करी है। अगर हमारा जितना भी नुकसान हुआ है, हमारा डैमेज किया है किसानों का माल व्यापारियों का माल, उनकी भरपाई कराई जाए और हमारे शेड को ठीक करवाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी इशारे पर ये काम हुआ है, क्योंकि वो ऑर्डर ही गलत है। जो DC शहर में है ही नहीं विनय प्रताप सिंह जी, उसके ऑर्डर के ऊपर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बताइए, मैंने ऑर्डर की कॉपी ली तो उस पर साइन थे विनय प्रताप जी के, जो कि शहर के DC नहीं है आज की डेट में, तो ये कौन से तुगलक फरमानों, किसकी शरारती हो रही है ये? वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मानकों को दरकिनार कर मनमानी की गई है और उनकी दुकानों के आगे बने टिन के शेड को तोड़ा गया है। इस दौरान काफी सामान को नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई हर हाल में करनी होगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी TV के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।